बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अलीना मज़र एंड आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज़ पावर बी आई। पावर बी आई एक वो पावरफुल बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा विजुलाइजेशन टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। इट अलाउज़ द यूज़र टू कनेक्ट द वेरियस डाटा सोर्सेज एंड ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू द मीनिंगफुल इनसाइट्स एंड दोज इनसाइट्स अक्रॉस देयर ऑर्गेनाइजेशन। उसके 20 सर्टिफिकेट्स हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। पॉइंट्स ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर बी आई, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें क्यूरी एडिटर, डाटा सोर्स कनेक्शंस एंड डाटा क्लीनिंग, डाटा शेपिंग, कंडीशनल फिल्टरिंग, एग्रेशन, पाइवोटिंग एंड अनपाइवोटिंग, मर्जिंग एंड अपेंडिंग क्वेरीज। पावर क्यूरी एम लैंग्वेज, डाटा मॉडल रिलेशनशिप्स एंड डाटा रिफ्रेश। पॉइंट्स ऑफ डाटा प्रिपरेशन इन पावर बी आई, जिसमें हमारे पास डाटा सोर्स कनेक्शन आ जाएगा, डाटा लोडिंग आ जाएगा, एडिंग कस्टम कॉलम्स एंड कैलकुलेशंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डाटा एनरिचमेंट, डाटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन कैसे होती है और डाटा रिफ्रेश कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ऑफ डाटा विजुलाइजेशन इन पावर बी आई, जिसमें हमारे पास विजुअल्स के टाइप आ जाएंगे, जिनमें चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होता है, पाई चार्ट्स होते हैं, स्कैटर प्लॉट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, मैट्रिसेस होते हैं। उसके पास इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड आ जाता है, फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजेशन आ जाती है, हायरार्किकल ड्रिल डाउन्स एंड ड्रिल थॉट्स आ जाते हैं। ड्रिल डाउन्स एंड ड्रिल थॉट्स में हमारे पास ईयर्स, क्वार्टर्स और मंथ्स होते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन विद पावर बी आई फीचर्स आ जाते हैं, शेयरिंग एंड कोलेबोरेशन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डेक्स इन पावर बी आई, जिसमें डेक्स फंक्शंस आ जाते हैं, एग्रेशन फंक्शन आ जाता है जिसमें सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम कंट्रोल्स आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आ जाते हैं, टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस आ जाते हैं, फिल्टर फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन और इंफॉर्मेशन फंक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद कॉलम्स को हम कैलकुलेटेड कैसे करते हैं, उसके बाद मेजर्स कैसे करते हैं, उसके बाद एडवांस कैलकुलेशंस क्या हैं, टाइम इंटेलिजेंस क्या है, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है, इस सर्टिफिकेट में। और ये जो नीचे पिक्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स कंप्लीट करने के पिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू पावर बी आई। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स पावर बी आई के कौन से हैं, पावर बी आई डेस्कटॉप हैं, फिर पावर बी आई सर्विस है, फिर मोबाइल्स हैं, मोबाइल पावर बी आई में मोबाइल ऐप्स होते हैं, एंड्रॉयड्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, डाटा कनेक्टिविटी आ जाता है जिसमें हमारे पास SQL एक्सेल फाइल्स हो जाती हैं, सर्विसेज में गूगल और एनालिटिक्स आ जाते हैं, डाटा मॉडलिंग क्या होता है, फिर देन हमारे पास आ जाते हैं शेयरिंग एंड कोलेबोरेशन। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है पॉइंट ऑफ डेस्क फंक्शन पावर बी आई, जिसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, डेक्स फंक्शन की एग्रेशन फंक्शन, स्केलर फंक्शन, टेबल फंक्शन, टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, टेक्स फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस। उसके बाद कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स आ जाते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं वो डेटा मॉडल लेवल एंड यूज़ होते हैं रो कंटेंट्स में, और उसके बाद मेजर्स जो हैं वो क्रिएटेड डेटा मॉडल लेवल एंड कलेक्टेड कैलकुलेटेड डायनामिकली बेस्ड। उसके बाद रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। रो कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो अप्लाइड करती हैं कैलकुलेटेड कॉलम एंड रोज ऑफ टेबल, और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो अप्लाइड करती हैं मेजर्स एंड इफेक्टिव बाय फिल्टर अप्लाइड इन रिपोर्ट्स एंड विजुलाइजेशन। उसके बाद पॉइंट्स ऑफ इंटरमीडिएट डेटा मॉडलिंग इन पावर बी आई, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स जो हैं वो टाइप्स में आ जाता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पावर क्यूरी एडिटर में आ जाते हैं, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, स्प्लिटिंग कॉलम्स, मर्जिंग कॉलम्स, और उसके बाद रोल प्लेइंग डायमेंशंस जो हैं उसमें हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स यूज़ करते हैं। उसके बाद मैनेजिंग डाटा ग्रंटलरी। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है पॉइंट ऑफ डाटा मॉडलिंग इन पावर बी आई, जिसमें हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डाटा मॉडल आ जाता है, स्टोर स्कीमा आ जाता है, स्नोफ्लेक स्कीमा आ जाता है, और डिफाइनिंग रिलेशनशिप जिसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप्स हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हैं, बाय डायरेक्शनल क्रॉस फिल्टरिंग है, ऑप्टिमाइजिंग द डाटा आ जाता है और रिड्यूस मॉडल साइज आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस, जिसमें क्वार्टर्स, मंथ्स और डेज आ जाते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस इन पावर बी आई, जिसमें हमारे पास डाटा प्रेपरेशन आ जाती है, कंसिस्टेंट डाटा फॉर्मेट, डाटा टेबल, विजुलाइजेशन फॉर ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें लाइन चार्ट्स आ जाते हैं, सिंगल लाइन चार्ट्स आ जाते हैं और मल्टीपल लाइन चार्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस हैं, जिसमें डेक्स फंक्शंस आ जाते हैं, फॉरकास्टिंग आ जाती है और एनोमली डिटेक्शंस आ जाती है।
नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इन पावर बीआई, जिसमें डाटा क्लीनिंग एंड प्रेपरेशन आ जाती हैं, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूविंग डुप्लीकेट, सेपरेटिंग कॉलम्स, मर्जिंग क्वेरीज, चेंजिंग डाटा टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और समरी स्टैटिस्टिक्स, डाटा विजुलाइजेशन, बेसिक विजुअल, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स और बॉक्स प्लॉट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरमीडिएट डाटा इन पावर बीआई, जिसमें हमारे पास रॉ कंटेंट, फिल्टर कंटेंट्स आ जाते हैं, कैलकुलेट फंक्शंस आ जाते हैं, टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस आ जाते हैं जिस में फिल्टर फंक्शन, डायनामिक मेजर्स और वेरिएबल्स इंडेक्स। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट्स ऑफ डाटा कनेक्शन इन पावर बीआई, जिसमें डाटा सोर्सेज आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा सोर्सेज आ जाते हैं, फाइल बेस्ड, डाटा बेस्ड, ऑनलाइन सर्विसेज एंड अदर। डाटा इंपोर्ट ऑप्शंस आ जाते हैं, इम्पोर्ट डायरेक्ट क्वेरी आ जाती है, कंपोजिट आ जाती है, पावर क्वेरी एडिटर, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें मर्ज क्वेरीज, अप्लाइड क्वेरीज, फिल्टर एंड सॉर्ट एंड ऐड कस्टम कॉलम्स। और डाटा कनेक्टिविटी में हमारे पास दो मोड होते हैं, एक इम्पोर्ट मोड, दूसरा डायरेक्ट क्वेरी मोड। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट रिपोर्ट डिजाइनिंग इन पावर बीआई, जिसमें लेआउट स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कैनवस पेज के साइज क्या, ग्रिड्स एंड गाइड्स क्या, विजुलाइजेशन आ जाते हैं, बेसिक चार्ट, मैट्रिक्स एंड टेबल्स, मैप्स आ जाते हैं, कस्टम विजुअल आ जाता है, फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल आ जाता है, कलर स्कीम क्या, फॉन्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स एंड लाइंस क्या, टेक्स्ट एंड एनिमेशंस क्या। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है, एग्रेशन, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, अवेलेबिलिटी और कीबोर्ड नेविगेशन आ जाता है। पॉइंट ऑफ रिपोर्ट्स इन पावर बीआई में हमारे पास पेज लेआउट स्ट्रक्चर आ जाता है, पेज का लेआउट के साइज के ग्रिड एंड गाइड्स आ जाती हैं, स्टैंडर्ड चार्ट, मैट्रिक्स, टेबल्स, मैट्रिक्स, मैप्स, कस्टम विजल्स, स्लीफर्स एंड फिल्टर्स, फिल्ड ऑन एंड फिल्ड आउट आ जाते हैं, फॉर्मेटिंग स्टाइल में कलर स्कीम, फॉन्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स एंड लाइंस। पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन टू पाइथन इन पावर बीआई, इसमें पर्पस आ जाता है, पाइथन की स्क्रिप्टिंग आ जाती है, सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, डाटा फ्लो, डाटा विजुलाइजेशन आ जाता है। पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन पावर बीआई, फाइनेंशियल कैलकुलेशन क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन, कंपेरेटिव एनालिसिस को किया जाता है, ईयर ओवर ईयर, क्वार्टर ओवर क्वार्टर, मंथ ओवर मंथ, विजुलाइजेशन आ जाते हैं, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल चार्ट आ जाते हैं, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग असिस्ट इन पावर बीआई, जिसमें हमारे पास डेवलपमेंट आ जाती है, डेटा सोर्सेज एंड कनेक्शन आ जाते हैं, डेटा मॉडलिंग एंड रिपोर्ट क्रिएशन आ जाती हैं, मेंटेनेंस में डेटा रिफ्रेश कैसे होता है, सिक्योरिटी एंड परमिशन क्या होती है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्या होती है, गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस, यूज ट्रेनिंग एंड सपोर्ट क्या होता है। पॉइंट्स ऑफ बेस बॉल डेटा विजुलाइजेशन इन पावर बीआई, डिजाइनिंग विजुलाइजेशन क्या होती है, प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या होती है, टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है, मेंटेनेंस एंड गवर्नेंस क्या होती है, डेटा रिफ्रेश क्या होता है, परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग, यूजर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स। ये हेडिंग्स के आगे सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और ये साथ इनके सर्टिफिकेट स्पीक्स हैं। थैंक यू।